हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एराइज एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन में हमने डिस्कस की थी कि जो RDS होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन जितना क्या होगा, स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और लिविंग ग्रुप का निकलना भी क्या था, RDS में ही था। तो रेट आल्सो डिपेंड करता था लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर, और ये कार्बोकैटायन रीअरेंज कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि इस टाइप की जो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन, वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ पर क्या होता, डिपेंड नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या आ रहा था सेकेंड स्टेप में, और सेकेंड स्टेप क्या था, फास्ट स्टेप था। फिर मैंने बताया था कि इस टाइप की रिएक्शन में अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स है ना सच टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा सा बच गया था, उसको हम कंप्लीट कर रहे थे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे SN2 के बारे में। आप यहाँ पर देखो, जैसे SN1 रिएक्शन कंप्लीटेड इन क्या, टू स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ क्या, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का क्या बनना, लिविंग ग्रुप क्या था, लिविंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला जा रहा था, कार्बोकैटायन बन जा रहा था, कार्बोकैटायन बन जा रहा था। अब न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा था, जो न्यूक्लियोफाइल क्या आ रहा था न्यूक्लियोफाइल, तो इस न्यूक्लियोफाइल को क्या मिल रहा था, कार्बोकैटायन मिल रहा था। इस न्यूक्लियोफाइल को क्या मिल रहा था, कार्बोकैटायन। और ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के साथ जुड़ के ज्वाइन करके क्या बना रहा था, RNU। और कंप्लीट, जैसे SN1 कंप्लीटेड इन टू स्टेप, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और सेकेंड स्टेप इस कार्बोकैटायन के साथ न्यूक्लियोफाइल ज्वाइन करके क्या बना रहा था, RNU। इसमें और ये स्टेप क्या था, स्लो स्टेप था, और यहीं इस रिएक्शन की क्या थी, RDS थी, क्या थी, RDS। और ये स्टेप क्या था, फास्ट था। इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दो तीन पॉइंट क्या ध्यान देना था कि ये RDS है, तो ये कटायन जितना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, यानी कि ऐसा जिसमें अपने से कटायन क्या हो जाए, बन जाए, यानी न्यूक्लियोफाइल का कोई सपोर्ट नहीं है, अपने से लिविंग ग्रुप क्या हो, चला जाए छोड़ के, ठीक है। और ये कार्बोकैटायन क्या हो सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। दूसरा आप देखो, अगर आप सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, अगर सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर प्रोटिक, तो ये जो कटायन है ये दोनों को क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा। सॉल्वेट करने का मतलब क्या, दोनों को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये दोनों आयंस क्या होंगे, स्टेबलाइज होंगे, इसलिए SN1 रिएक्शन फेवरेबल होगा इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही यूजुअली न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, इसलिए SN1 रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, साल्वोलिसिस भी बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल की एंट्री किस स्टेप में हो रही है, सेकेंड स्टेप में, जो कि सेकेंड स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप है, और फास्ट स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। इस टाइप की रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री की थोड़ी बात कर लेते हैं हम। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री ध्यान से देखें, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो यहाँ पर देखो, ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, और ये कार्बोकैटायन क्या होता है, प्लैनर होता है, ठीक है। कार्बोकैटायन क्या है, प्लैनर, और प्लैनर पर, जैसे प्लैनर पर अटैक, प्लैनर पर न्यूक्लियोफाइल का क्या जुड़ना, 50-50 पॉसिबिलिटी है। जैसे फ्रंट से भी जुड़ सकता है, बैक से भी जुड़ सकता है। कहने का मतलब, ये जो कार्बोकैटायन है R+, और ये क्या RNU, तो कार्बोकैटायन प्लैनर स्ट्रक्चर और प्लैनर पर न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना है ना, 50-50 पॉसिबिलिटी, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो अगर फ्रंट से जुड़ा तो क्या बनेगा, RNU, और बैक से जुड़ा तो क्या बनेगा, NUR, और ये 50-50 पॉसिबिलिटी है। और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं। तो रिलेशन क्या आएगा, मिरर इमेज, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। यानी कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है। रेसमाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है, रेसमिक मिक्सचर, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन।
या इक्विमोलर मिक्सचर आप इनेंसियोमर, क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। जैसे थोड़ा सा मैं और अच्छा 3D डायग्राम लेके बता रहा आपको। जैसे मान लो यहाँ देखो, इसको मैं हटा रहा, देखो मगर बोर्ड पे, यहाँ देखो जैसे मैं कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, जैसे मैंने ये ले लिया R1, जैसे कार्बन का दो बॉन्ड मैंने प्लेन में रखा, तो दो बॉन्ड क्या होंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये R2 और ये क्या होगा R3, ठीक है। जैसे देखो ये 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, R1 R2 R3, ये R1 R2 R3 क्या है, डिफरेंट है, मैंने ऐसा कंसिडर किया है। R1 ≠ R2, नॉट इक्वल टू क्या R3, ये तीनों क्या डिफरेंट है। जैसे मान लो ये मेथाइल है, ये एथाइल है, ये फेनाइल है, ऐसा कुछ, ठीक है। कहने का मतलब ये जो सेंटर है क्या है, काइरल है, ये जो सेंटर है क्या है, काइरल है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा, जैसे कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेके, कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ले लिया या वीक न्यूक्लियोफाइल, आप देखो NU, ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ले लिया। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ले लूँ वाटर ही ले लिया, चलो आप देखो ये जो देख के लग रहा ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो देख के लग रहा है कि परफेक्ट कंडीशन फॉर क्या है, SN1। ये SN1 के लिए क्या है, परफेक्ट कंडीशन है SN1। तो SN1 में क्या होता, SN1 में क्या होता, फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन आप क्या लिविंग ग्रुप एंड जनरेशन आप क्या कार्बोकडाइन। ये कार्बोकडाइन बन जाएगा, देखो आप ये R1, ठीक है, और ये R2, और ये क्या होगा R3, और यहाँ पे जो चार्ज आएगा क्या आएगा प्लस, यानी यहाँ पे जो ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। कहने का मतलब ये जो डैश लाइन है इस वेज लाइन के क्या है, अंदर है। कहने का मतलब ये एकदम ऐसे है, ऐसे ये क्या हो गया R3 और ये क्या हो गया R2, ये सारे एंगल कितना है 120 120 120। अब देखो SN1 में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप एंड जनरेशन ऑफ क्या कार्बोकडाइन, कंप्लीटली डेवलप कार्बोकडाइन, ठीक है। और ये कार्बोकडाइन क्या होता है, प्लानर स्ट्रक्चर होता है, और प्लानर पर क्या 50-50 पॉसिबिलिटी है, किसका, वाटर का, H2O का अटैक। अगर ये वाटर क्या कर रहा है, अगर फ्रंट से अटैक करेगा, अगर ये वाटर क्या करेगा फ्रंट से अटैक करेगा, तो इस कार्बन के सराउंडिंग अभी कितने एटम है, 3 एटम है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है SP2 है। जब ये जुड़ेगा तो कार्बन के सराउंडिंग टोटल कितने एटम हो जाएंगे, 4, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा SP3 हो जाएगा। SP3 होगा तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो पहले ये ऐसे था, देखो आप, तो जैसे ये इधर जुड़ेगा तो ये बॉन्ड किधर होगा, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये जो 1 2 3 ये जो तीनों बॉन्ड है किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, ये आएगा, देखो R1 यहां पर, ये R2 और यहां पर क्या R3। जब ये वाटर क्या होगा जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और ये डी प्रोटोनेट होकर H+ क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, है ना, एल्कोहल, दारू। अब देखो नेक्स्ट, अगर ये वाटर क्या करे, अगर बैक साइड से, अगर पी ऑर्बिटल के इस लोब से क्या करे बॉन्ड बनाता, अगर इधर से अटैक करता बैक साइड से, अगर बैक साइड से अटैक करता, ये फ्रंट साइड से अटैक किया, तो ये फ्रंट साइड से अटैक किया तो एक आया, ये अगर बैक साइड से अटैक करता तो आप देखो यहां पर फिर SP3 कार्बन होता, तो ये जो तीनों बॉन्ड है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाते, राइट में शिफ्ट हो जाते, तो देखो ये ऐसा आता, यहां पर C R1 और यहां पे क्या आ जाता R2 और ये क्या R3, और ये बैक साइड से जुड़ रहा तो ये क्या आएगा OH। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, है ना, रिएक्टेंट में जिस साइड लिविंग ग्रुप था, कार्बन के जिस साइड लिविंग ग्रुप था, ये किधर था आपका, आप देखो ध्यान से, ये राइट हैंड साइड है, किधर है, राइट हैंड साइड। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आके लगा है कार्बन के रेस्पेक्ट में किस साइड है, ये राइट हैंड साइड ही है, राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि जिस साइड लिविंग ग्रुप था उसी साइड आके क्या लगा न्यूक्लियोफाइल उसी साइड आके लगा, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सेम हो, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सेम है।
है ना, रिएक्टेंट में जिस साइड लिविंग ग्रुप था, प्रोडक्ट में उसी साइड क्या लगा है, न्यूक्लियोफाइल, या ऐसे भी R1, R2, R3 जिस साइड है उसी साइड क्या है, R1, R2, R3 भी है। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ पर इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल लगा है वो किधर है, लेफ्ट हैंड साइड है, जबकि इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये लिविंग ग्रुप किस साइड है, आपका राइट हैंड साइड है। तो ऐसे प्रोडक्ट यानी कि इन्वर्जन हो गया, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का पोजिशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन, क्या बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे, इन्वर्जन, यानी कि रिटेंशन और इन्वर्जन क्या आ रहा है, दोनों आ रहा है। और ये क्या है, दोनों 50-50 पॉसिबिलिटी है, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज है, ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर नाम देंगे, क्या नाम देंगे, रेशमिक मिक्सचर। हालांकि 100% रेशमाइजेशन नहीं होता, हालांकि 100% रेशमाइजेशन नहीं होता, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा, अगर ऑप्शन में दिया है पार्शियल रेशमाइजेशन, तो हम पार्शियल रेशमाइजेशन पर ही ट्रिक करेंगे, पार्शियल रेशमाइजेशन। पार्शियल रेशमाइजेशन का मतलब क्या, कि इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है, इन्वर्जन जो प्रोडक्ट होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मोर डोमिनेट ओवर रिटेंशन। इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है, वो ज़्यादा डोमिनेट करता है किस पे, रिटेंशन पे। कहने का मतलब ये वाला ज़्यादा बनता है किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। बहुत आसानी से मैं समझा दे रहा है, जैसे देखो, जैसे अभी मैंने क्या बताया कि SN1 में क्या होता, पहले लिविंग ग्रुप चला जाता, R कटायन बन जाता, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप चला गया, यहाँ पर मैंने X रखा है, चलो ठीक है। उसके बाद इस कटायन के साथ न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये फ्रंट से भी जुड़ता है और क्या, बैक से भी। अगर बैक से जुड़ा, अगर फ्रंट से जुड़ा तो क्या आया, RNU, है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन प्रोडक्ट। और ये बैक साइड से जुड़ा तो क्या आएगा, NUR, इसे हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कि पार्शियल रेशमाइजेशन होता है। पार्शियल रेशमाइजेशन का मतलब इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा डोमिनेट करता है किस पे, रिटेंशन पे। कहने का मतलब ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा ज़्यादा बनता है किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। ऐसा क्यों होता, ध्यान से देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लिविंग ग्रुप क्या हुआ, सडनली निकल गया, ऐसा नहीं हुआ कि ये बॉन्ड तुरंत सडनली डिसोसिएट हो गया और ये तुरंत क्या हो गया, दूर चला गया। कहने का मतलब ये बॉन्ड क्या होता, टूटता है। कहने का मतलब ये जो लिविंग ग्रुप है निकलता है, थोड़ा सा निकलने में क्या लगता है, इसको टाइम लगता है, और जब निकलता भी है तो ये कंप्लीट नहीं निकल जाता है, ये इस कटायन के फ्रंट में ही क्या करता है, थोड़ी देर के लिए क्या रहता, पड़ा रहता है। और ठीक है, आप समझ रहा, कहने का मतलब जब ये लिविंग ग्रुप निकलता है यहाँ से, तो थोड़ी देर के लिए ये जो लिविंग ग्रुप है ना, इसके साथ क्या करता है, पड़ा रहता है, लाई करता है। तो अब देखो, तो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में, फ्रंट साइड से अप्रोच करने में, ये जो लिविंग ग्रुप है क्या करेगा, इसके पाथ को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, इसके पैथवे को क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के पैथवे को ब्लॉक करेगा फ्रंट साइड से अटैक करने में। लेकिन बैक साइड में तो कुछ भी नहीं है, बैक साइड से अटैक क्या होगा, होने लगेगा। तो इसलिए थोड़ा क्या बनेगा, इन्वर्जन ज़्यादा बनेगा किससे, रिटेंशन से। थोड़ा इन्वर्जन क्या बनेगा, ज़्यादा किससे, रिटेंशन से। ऐसा क्यों, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है वो थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, लाई करेगा, और लाई करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के पैथवे को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा। लेकिन पीछे से अटैक क्या होगा, स्टार्ट हो गया रहेगा, पीछे से जुड़ना क्या हो गया रहेगा, स्टार्ट हो गया रहेगा। तो इसलिए इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होगा, मोर डोमिनेंट होगा ओवर रिटेंशन। अगर ऑप्शन में दिया है पार्शियल रेशमाइजेशन, तो हम पार्शियल रेशमाइजेशन पर ही क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, कि SN1 सारी चीज़ें देखो क्या क्या मैंने बता दी आपको, तो मैंने सारी चीज़ें आपको SN1 के बारे में बता दिया, कि SN1 कंप्लीटेड इन क्या, टू स्टेप्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप एंड जनरेशन ऑफ कार्बोकोडाइन, ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या था, न्यूक्लियोफाइल का कार्बोकोडाइन के साथ जुड़ना और RNU बनना। इस SN1 रिएक्शन की जो RDS है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकोडाइन। तो जितना स्टेबल कार्बोकोडाइन बनेगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा।
और इस टाइप के रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, वेट करता रहे कटायन बनने तक का, ठीक है। और जनरली जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो एल्कोहल, वाटर, इस टाइप के होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। जो साल्वेंट ही होते हैं वही क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसलिए इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, साल्वोलिसिस, ठीक है। और फिर मैंने क्या बताया, लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। और इस रिएक्शन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, पार्शियल रेस्माइजेशन होता है। रेस्माइजेशन का मीनिंग वही है जहाँ पर काइरल सेंटर हो। रेस्माइजेशन का मीनिंग क्या होगा, वही होगा जहाँ पर सेंटर क्या हो, काइरल हो। अगर काइरल सेंटर है ही नहीं तो रेस्माइजेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मैंने आपको क्या बताया था कि इस टाइप के रिएक्शन को जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल, जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा था, लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा था और खुद लिविंग ग्रुप की पोजीशन ले रहा था, इसी टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा था, किसी लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा था, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैंने बताया था कि ये रिएक्शन दो तरीके से होती है, ये रिएक्शन दो तरीके से होती, एक तरीका हम लोग कंप्लीट कर लिए। पहला तरीका क्या था कि लिविंग ग्रुप के अप्रोच करने से पहले ही ये बॉन्ड क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन के साथ जुड़ के क्या बना ले, आरएनयू बना ले। यानी कि बिना न्यूक्लियोफाइल के सपोर्ट के ही, बिना न्यूक्लियोफाइल के सपोर्ट के ही ये बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। देखो फिर एक ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, आरएक्स बॉन्ड है, हो सकता है ये भी हो, जैसे ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। हो सकता है कि ये बॉन्ड अपने से डिसोसिएट ना हो, ये जो कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड है ये बॉन्ड अपने से डिसोसिएट ना हो, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करे, इसको धक्के मार के क्या करे, बाहर करे। कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल के सपोर्ट से ये लिविंग ग्रुप जाए। इसके पहले वाले में क्या था, लिविंग ग्रुप अपने आप चला जा रहा था, कटायन बन जा रहा था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, अपने से कटायन फॉर्म ना हो, न्यूक्लियोफाइल के सपोर्ट से ये लिविंग ग्रुप जाए, न्यूक्लियोफाइल के सपोर्ट से ये लिविंग ग्रुप जाए। कहने का मतलब ये अटैक करे, ये पॉजिटिव सेंटर को क्या चाहिए, यहाँ ये पॉजिटिव सेंटर है और इस पॉजिटिव सेंटर को क्या चाहिए, निगेटिव सेंटर। तो ये निगेटिव सेंटर क्या होगा, निगेटिव चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये अट्रैक्ट होगा तो ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और तो ये लिविंग ग्रुप क्या करे, जाए। कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल के सपोर्ट से क्या करे, ये लिविंग ग्रुप जाए, ठीक है। तो ऐसा बनेगा एन यू क्या आर और प्लस क्या एक्स माइनस। यानी कहने का मतलब जिस स्टैंड पर ये लिविंग ग्रुप क्या हो रहा होगा, जा रहा होगा, आप ध्यान से देखो, जिस स्टैंड पर ये लिविंग ग्रुप क्या कर रहा होगा, जा रहा होगा कार्बन को छोड़ के, उसी स्टैंड पर न्यूक्लियोफाइल और कार्बन क्या हो रहा होगा, बॉन्ड बन रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन बॉन्ड बन रहा होगा। यहाँ पे कंप्लीटली डेवलप माइनस चार्ज था तो यहाँ पे पार्शियल माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल माइनस, ऐसा हो जाए। और ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ऐसी स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग और साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन हो रहा है। कहने का मतलब कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान से देखो ये, आप देखो इसके पहले वाले में और इसमें क्या है, काफी डिफरेंस है, वो दो स्टेप्स में था, ये क्या है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। ये रिएक्शन क्या है, सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक ही स्टेप में क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। और जो सिंगल स्टेप प्रोसेस है तो यही क्या होगा, आरडीएस होगा, यही इस रिएक्शन का क्या होगा, आरडीएस होगा। और इस स्टेप्स में देखो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इस स्टेप्स में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। या इसका अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट इक्वल टू क्या आएगा, रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ क्या, एल्काइल हैलाइड, और कंसंट्रेशन ऑफ क्या, न्यूक्लियोफाइल, लॉ ऑफ मास एक्शन से, है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर, है ना, ऑर्डर सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, आप पढ़ा होगा, तो 1+1 ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, पावर कितना है 1, 1 कितना आया 2। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, SN से, और ये बाई मॉलिक्यूलर है इसलिए क्या लिखेंगे, SN2। तो इसका नाम क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसलिए जो सेकंड क्या है तरीका है, इसको क्या बोलेंगे, SN2।
वहां पे हम SN1 बोल रहे थे, यहां पर इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे SN2। यहां पर देखो, यहां पर जो रेट होगा, यहां पर जो रेट होगा, रेट रेट होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनकर रिएक्शन हो रही है, वहां पर कार्बोकैटायन बनकर रिएक्शन हो रहा था और यहां पर क्या बनकर रिएक्शन हो रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ऐसे बुक में लिखा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो, और ये ट्रांजिशन स्टेट कब स्टेबल होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट कब स्टेबल होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ और बताता हूं। देखो इधर, जैसे मैं यहां पे एक जनरल ट्रेंड बताया, जैसे यहां देखो, यहां पर जैसे मान लो मैं ये ले लूं सी एच एच और ये क्या एच और यहां पे लगा है एक्स, ठीक है एच, और इसकी मैं रिएक्शन करा रहा न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ये न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान से देखो, ठीक है तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पोलर होगा, डेल माइनस और इस पे चार्ज क्या आएगा डेल प्लस। तो मैंने क्या बताया कि ये जो लिविंग ग्रुप है इस न्यूक्लियोफाइल के सपोर्ट से जाए, कहने का मतलब इस पॉजिटिव सेंटर से ये निगेटिव चार्ज क्या होगा अट्रैक्ट होगा, या बोलते हैं क्या करेगा अटैक करेगा, ये आक्रमण करेगा तब ये जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा आपका, क्या कैसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कहने का मतलब इस टाइप का, इस कार्बन के सराउंडिंग पहले टोटल एटम कितने थे, इस कार्बन के सराउंडिंग टोटल पहले कितने एटम थे, 1 2 3 4, अब एक न्यूक्लियोफाइल आया तो इसके सराउंडिंग टोटल कितने एटम हो गए, एच, ये एच और ये क्या एच, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड क्या हो रहा बन रहा, और कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड क्या हो रहा ब्रेक हो रहा, ध्यान से देखना डेल माइनस और ये डेल माइनस, इसी स्टेट को हम क्या बोल रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कार्बन के सराउंडिंग टोटल कितने एटम है 5 एटम है। आप देखो 1 2 3 4 5, इसका शेप कैसा है TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये पार्शियल बॉन्ड है और पार्शियल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं होते, और वैसे भी कार्बन के पास डी नहीं होता, इस ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है SP2 है, और एट लास्ट लास्ट में क्या होगा, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, ये कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा कंप्लीटली, ये लिविंग ग्रुप चला जाएगा और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड क्या होगा कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, और ये जो यच है ऐसा हो जाएगा, यच की डायरेक्शन क्या होगी पलट गई, कहने का मतलब देखो यहां पे, तो मैंने क्या लिखा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट तभी स्टेबल होगा जब ये एच ये क्या होंगे, ये जो एटम होंगे स्मॉलर होंगे, ये एटम क्या होंगे स्मॉलर होंगे, कहने का मतलब आप देखो ये जो एटम है इस कार्बन के सराउंडिंग, ये जो कार्बन से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, ये जो एटम है ये जितने ही क्या होंगे लाइटर होंगे स्मॉलर एटम होंगे छोटे छोटे होंगे यानी बल्कि नहीं होंगे, उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच क्या होगा आसानी से होगा, ये जितना ही क्या होंगे बल्कि होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना क्या होगा मुश्किल होगा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि क्या लगेगा स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, ये जितने ही क्या होंगे लाइटर एटम होंगे छोटे एटम होंगे तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना क्या होगा आसान होगा, क्या होगा आसान होगा, तो इस तरह की ट्रांजिशन से स्टेट क्या होगी आसानी से बन जाएगी, और इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट जितना ही आसानी से बनेगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा आगे जाएगा। तो मैंने वही लिखा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, या इसी को दूसरे वर्डों में क्या लिखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, क्या लिखते हैं स्टेरिक क्राउडिंग, यानी जितना ही क्या होगा स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा, जितना स्टेरिक क्राउडिंग क्या होगा कम होगा उतना ही रेट ऑफ SN2 क्या होगा फास्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता इसको कॉपी करो, अब इस डायग्राम से समझो, जैसे देखो आप, जैसे मैंने ले लिया क्या CH3 क्या X CH3 CH2 X CH3 CH CH3 X और CH3 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 X, इसको ध्यान से देखो आप,
जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, जिस कार्बन से देखो ये जो लिविंग ग्रुप लगा है उससे स्मॉलर एटम है ना, छोटे छोटे एटम लगे हैं, लाइटर एटम, स्मॉलर एटम। तो इस कार्बन पर जो स्टेरिक क्राउडिंग है वो काफ़ी क्या है, कम है। अब इस कार्बन पर गए तो दो हाइड्रोजन एक मिथाइल हो गया, इस कार्बन पर गए तो दो मिथाइल एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन पर गए तो तीन तीन मिथाइल बल्की ग्रुप, यानी कि इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो रहा, बढ़ रहा, स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रहा है। तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रहा है तो रेट ऑफ एस एन टू क्या होगा, रेट ऑफ एस एन टू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं बोलूँ कि रेट ऑफ एस एन टू किसमें सबसे फास्ट होगा, तो इसमें सबसे क्या होगा, फास्ट होगा। और थ्री डिग्री में तो एस एन टू होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है, इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, ढेर सारा क्या है, कंजस्टेड हो गया है, यानी जंगल जंगल हो गया है चारों तरफ, इस कार्बन के चारों तरफ। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसमें एंट्री ही नहीं कर पाएगा, इस कार्बन के पास अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यानी क्या, स्टेरिक क्राउडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग, अब देखो यहां पे अगर स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो, सेम हो, नेक्स्ट, अगर मान लो स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो, सेम हो, जैसे मैं ये ले लूं, आप देखो लिविंग ग्रुप का निकलना, लिविंग ग्रुप का निकलना भी क्या है, आरडीएस ही है, ये तो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, और सिंगल स्टेप प्रोसेस है तो यही क्या होगा, आरडीएस है। तो लिविंग ग्रुप का निकलना भी क्या है, आरडीएस ही है, लिविंग ग्रुप आरडीएस में ही निकल रहा है। तो अगर स्टेरिक क्राउडिंग सेम दे दे, कभी भी ऐसे क्वेश्चन दे दे आपको सी एस थ्री है ना, कभी भी ऐसे इस टाइप के दे दे सी एस थ्री एफ सी एस थ्री क्या सी एल सी एस थ्री क्या बी आर और सी एस थ्री आई, और आपसे पूछे क्या रेट ऑफ एस एन टू, क्या पूछे रेट ऑफ एस एन टू। तो यहाँ पर हम स्टेरिक क्राउडिंग के बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग सब में क्या है, सेम है। तो यहाँ पर रेट कैसे डिसाइड करेंगे, रेट क्या होगा, रेट ऑफ एस एन टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। आप देखो यही एक चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, यही एक ऐसी चीज़ है दोनों, जो दोनों में क्या है, कॉमन है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ, जितना ही वीक बेस होगा उतना ही क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये आई माइनस क्या है, सबसे वीकेस्ट बेस है, और यहाँ पर जो है एफ माइनस वेरी वेरी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे भी सोच सकता है टू पी टू पी ओवरलैपिंग, ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये क्या है, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इसमें जो रेट ऑफ एस एन वन या एस एन टू होगा वेरी वेरी क्या होगा, स्लो होगा, और इसमें क्या होगा, फास्ट होगा। तो रेट ऑफ एस एन वन हम डिसाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, और रेट ऑफ एस एन टू हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्टेरिक क्राउडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां तक हो गया, बस पांच मिनट ध्यान से। आप देखो रेट ऑफ एस एन वन हम डिसाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कटायन कार्बोकटायन और वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी। यहां पर भी है रेट आल्सो डिसाइडेड लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लेकिन यहां पर एक चीज डिफरेंस है, क्या वहां कार्बोकटायन स्टेबिलिटी था और यहां पर क्या स्टेरिक क्राउडिंग। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, इस टाइप की रिएक्शन किस टाइप के सॉल्वेंट में फेवरेबल होगा। आप देखो अगर हम लेते हैं यहां पर क्या है, एनायन है, यह क्या चार्ज है, एनायन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेट ये क्या कर देगा, सॉल्वेट एनायन, एनायन को सॉल्वेट कर देगा, यानी कि जो एनायन है ये इसको क्या कर देगा, पूरा सॉल्वेट कर देगा। जैसे मान लो वाटर में हम रिएक्शन करा रहे हैं तो वाटर इस एनायन के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, एनायन वाटर के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस टाइप का। कहने का मतलब इस एनायन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस और ये क्या डेल प्लस। इस एनायन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इकट्ठा, और इकट्ठा हो जाएंगे, कहने का मतलब इसको क्या कर देंगे, सॉल्वेट कर देंगे, और सॉल्वेट करके क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा तो इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आयनिक मोबिलिटी कम, यानी कि रेट ऑफ अटैकिंग क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो क्या करेगा, सॉल्वेट एनायन, लेकिन अगर पोलर ए प्रोटिक लेंगे, पोलर
ए प्रोटिक, अगर पोलर ए प्रोटिक लेते हैं सॉल्वेंट, नॉट सॉल्वेट एनायन, नॉट सॉल्वेट एनायन, वो एनायन को सॉल्वेट नहीं करेगा। तो एनायन क्या होगा? फ्री होगा। क्या करने के लिए? अटैक करने के लिए। एनायन क्या होगा? फ्री होगा। क्या करने के लिए? हमला करने के लिए। किस पर? इस कार्बन पर। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नॉट सॉल्वेंट क्या है? एनायन। तो सो SN2 रिएक्शन फेवरेबल इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN2 रिएक्शन क्या होगा? फेवरेबल होगा। इसको ध्यान से देखो, जितना मैंने बताया ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या हो गया है ना? स्टेरिक क्राउडिंग क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लीविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक। ऐसा नहीं है कि अगर पोलर प्रोटिक लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। पोलर प्रोटिक लेंगे तब भी रिएक्शन होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक क्या कर देगा? इस एनायन को क्या कर देगा? सॉल्वेट करके स्टेबलाइज कर देगा, और स्टेबलाइज कर देगा तो इसका रेट ऑफ अटैकिंग क्या होगा? स्लो होगा। जैसे नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा देखो यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने ले लिया HS- प्लस क्या CH3Cl ये, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया DMSO। DMSO क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और यहाँ पर मैंने HS- ले लिया और CH3Cl ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया? वाटर। तो मैं बोलूँ कि रेट किसका फास्ट होगा? रेट एक दो, रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN2 किसका फास्ट होगा? तो यहाँ पर देखो, न्यूक्लियोफाइल सेम है, सबस्ट्रेट सेम है, केवल डिफरेंस क्या है? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये क्या कर देगा? इसको स्टेबलाइज कर देगा, है ना? स्टेबलाइज करके क्या कर देगा? बैठा देगा। और यहाँ पर क्या है? DMSO है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इस न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेंट नहीं करेगा, ये फ्री होगा, तो ये फास्ट अटैक करेगा। तो रेट ऑफ SN2 किस पे फास्ट होगा? पहले पे फास्ट होगा, किसके कंपेयर में? सेकेंड में। आप देखो, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है ना? तो जो SN2 रिएक्शन का रेट होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। जितना ही क्या होगा? स्ट्रांग होगा। जितना इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, उतना रेट ऑफ कोलिजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितना ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा, उतना ही ये क्या होगा? फास्ट अट्रैक्ट होगा या अटैक करेगा। कहने का मतलब, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दे आपसे यहाँ पर OH- है ना, प्लस CH3Cl ये, और एक दे दे कि आप PHO- और प्लस CH3Cl ये क्वेश्चन वन, ये टू। बोलूँ रेट ऑफ SN2 किस में फास्ट होगा? रेट ऑफ SN2 किस में फास्ट होगा? तो यहाँ पर देखो, सबस्ट्रेट क्या है? सेम है, सबस्ट्रेट सेम है। जैसे मैं सॉल्वेंट भी सेम रख दे रहा DMSO, और यहाँ भी क्या रख दे रहा DMSO। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है? डिफरेंस है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH- है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है? फिनॉक्साइड है। और हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या पढ़ा है? अगर डोनर एटम क्या हो? सेम हो। अगर डोनर एटम क्या हो? सेम हो, तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? बेस स्ट्रेंथ। OH- की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। किससे? PHO- से। क्योंकि यहाँ पर जो ये निगेटिव चार्ज है, इस फेनाइल के द्वारा क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है, ये इस फेनाइल के द्वारा क्या होगा? रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेस स्टेबल है, यहाँ पर क्या है? ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये वीक न्यूक्लियोफाइल, तो रेट है ना फर्स्ट का क्या होगा? फास्ट होगा, किसके कंपेयर में? सेकंड के कंपेयर में। ऐसे तो ये रेट अब क्या हो गया? SN2। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल का हो गया। अब एक लास्ट है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN2। है ना, लास्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है? SN2 में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है क्या होता है? SN1 में हमने देखा था कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या होता है? रेसमाइजेशन। और किस टाइप का रेसमाइजेशन होता है? पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। कहने का मतलब, इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है? डोमिनेंट होता है। ओवर क्या? रिटेंशन। यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो, जैसे मैं इसको काइरल सेंटर बना दे रहा है। इन्वर्जन का मतलब तभी है जब सेंटर क्या हो? काइरल हो। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पर आप देखो, यहाँ क्या होता है स्टीरियो केमिस्ट्री? क्या होता है SN2 में? क्या होता है? वाल्डेन इन्वर्जन होता है। मैं पहले लिख दे रहा हूँ, वाल्डेन इन्वर्जन होता है। वाल्डेन इन्वर्जन, यहाँ तो सिंगल प्रोडक्ट है,
यहाँ पे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आता है, एक ही प्रोडक्ट, वहाँ पे दो प्रोडक्ट थे और दोनों एक दूसरे के क्या था, मिरर इमेज थे SN1 में। तो रिलेशन क्या आ रहा था, रेशमिक मिक्सचर। यहाँ पे तो सिंगल प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो वाल्डन इन्वर्जन का मतलब क्या है, देखो वाल्डन इन्वर्जन का बस इतना सा मतलब है कि जो बॉन्ड की डायरेक्शन है, ये जो तीनों बॉन्ड की डायरेक्शन है, ये क्या हो जाएगी, उल्टे हो जाएगी, पलट जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे जो यच थे, ये इस डायरेक्शन में थे, देखो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में किधर है, लेफ्ट साइड है। और प्रोडक्ट देखें तो ये जो तीनों हाइड्रोजन है, इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। कहने का मतलब बॉन्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर बॉन्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इसी को क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन का मतलब क्या, बॉन्ड की डायरेक्शन क्या हो जाना, पलट जाना, बॉन्ड का क्या हो जाना, पलट जाना, उल्टे हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन। ऐसा नहीं कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाना, ये आर हो गया तो ये एस हो जाएगा, ये एस हो गया तो आर हो गया, क्योंकि ये दोनों आइसोमर थोड़े हैं, ये तो दोनों क्या है, डिफरेंट मालिक्यूल है, ये आइसोमर है ही नहीं, दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। ये आर है तो ये यस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वाल्डन इन्वर्जन का मीनिंग बस इतना सा है कि बॉन्ड का क्या हो जाना, पलट जाना, बॉन्ड की डायरेक्शन उल्टे हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन। यानी कि SN2 रिएक्शन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती वो क्या होती, वाल्डन इन्वर्जन होता। क्या होता, वाल्डन इन्वर्जन। तो SN2 रिएक्शन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैंने क्या क्या बताया आपको, एक बार और देखो ध्यान से कि जो रेट है, हम रेट कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। जितना स्टेरिक क्राउडिंग क्या होगा, कम होगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, स्टेरिक क्राउडिंग। फिर मैंने बताया क्या, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। और इस टाइप की रिएक्शन फेवरेबल होगी इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और इस टाइप की जो रिएक्शन का रेट होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और इस टाइप की रिएक्शन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, वाल्डन इन्वर्जन हैपेंस, वाल्डन इन्वर्जन हैपेंस। वाल्डन इन्वर्जन हैपेंस का मतलब जो बॉन्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, उल्टे हो जाएगी। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन का दो तरीका था हमने कंप्लीट कर लिया, SN1 और SN2। अब आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2, कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।